साहब ने सवाल किया है, खातून हामिला है, उसके पेट पर बच्चा है, और जो पुराना बच्चा है वो भी दूध पीने वाला बच्चा है, तो क्या हमल के दौरान उसको दूध पिलाया जा सकता है? नहीं। देखिए जी, दूध पिलाने में कोई मुजायका नहीं, ये खातून की अपनी सेहत के हवाले से देखना चाहिए कि खातून की इस वक्त सेहत क्या है। अगर उसकी सेहत इजाज़त देती है तो वो दूध पिलाएं, उसकी मनसबी ज़िम्मेदारी है। लेकिन अगर वो दूध नहीं पिला सकती तो ज़बरदस्ती उस पर नहीं की जा सकती कि आप ज़बरदस्ती दूध पिलाएं। दूध पीना ये बच्चे का बुनियादी हक है, लेकिन इस शर्त के साथ कि माँ को ज़रर न हो। अगर माँ को ज़रर हो तो फिर मुतबादिल बंदोबस्त किया जाए, किसी दाइये का बंदोबस्त किया जाए, या जो दूसरे तैयार दूध वगैरह है उसका अहतमाम किया जाए। खातून पर हमल के दौरान या आम हालात में भी, ये तो हमल की हालत है, यकीनन उसको तकलीफ़ होगी, लेकिन अगर हमल की हालत न हो, उसके पेट पर बच्चा न हो, और दूध पीना पिला देना उसके लिए मुश्किल का बायस हो, उसके लिए तकलीफ़ का बायस हो, उसकी सेहत इजाज़त नहीं दे रही, तो ऐसी सूरत में उस पर जबर नहीं किया जा सकता। ये फिर खाविन की ज़िम्मेदारी होगी, बाप की ज़िम्मेदारी होगी कि वो अपने बेटे के लिए दूध का इंतज़ाम करें।